वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। चलिए आज गति से रिलेटेड लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने आपको बोला था पिछले वाले वीडियो में कि आपको शुद्ध गति के समीकरण है उसको सिद्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन अर्थात शुद्ध गति के समीकरण कौन कौन सा था एक बार देख लेते हैं हम लोग। था एक v = u + at, जो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद है s = ut + ½at². इसके बाद एक आता है v² = u² + 2s, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ये दोनों समीकरण, ये दो फॉर्मूला आज कैसे हमारे सामने उपस्थित हुए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं जिसमें विस्थापन ज्ञात करना होता है। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए ग्राफ से हम लोग निकालेंगे। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा ग्राफ लेना होगा? वेग समय ग्राफ, क्योंकि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। तो हमने यहाँ पहले से वेग और समय का एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें यू यानी जीरो नहीं, कुछ प्रारंभिक स्पीड है वस्तु का जिसको क्या बोलेंगे यू, और कुछ और अंत में जहाँ तक जाता है, जिस वेग तक हमको कैलकुलेट करना है वहाँ पे उस क्षण उसका वेग क्या है भी, जिसको अंतिम वेग बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राफ, ग्राफ हमने ये खींचा है, यहाँ से शुरुआत किया है इस स्पीड से। जैसे मान लीजिए वेग है, तो मान लीजिए यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से। हमने अंक को नहीं लिखा है कि थोड़ा ज़्यादा ये ना हो, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं यू, तो यहाँ से हमने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ देखिए, ग्राफ मेरा ये बना हुआ है, ये हो गया वेग और समय, दो अक्ष हो गए हैं। इस दोनों के अंतर्गत ये ग्राफ बना हुआ है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, ये जो क्षेत्रफल होगा जो आप इतना देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल आपको क्या देगा जी? विस्थापन देगा। यही क्षेत्रफल आपको क्या देगा? विस्थापन देगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि आपको क्या वेग समय ग्राफ का विस्थापन है, सॉरी क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है, ठीक है, विस्थापन देता है। चलिए तो आगे आते हैं, देखते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल क्या देगा हमें? विस्थापन देगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, इसमें देखिए दो आकृति बन रहा है, एक आकृति आपको ये बन रहा है, और आपको एक ऊपर आकृति बन रहा है, ठीक है, एक ये है। यही ना दो क्षेत्र बन रहे हैं, इन दोनों क्षेत्रों का क्षेत्रफल निकाल के जब आप जोड़ दीजिएगा तो इस ग्राफ के द्वारा कुल छेका गया क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो इसमें दो आकृति है, एक आयत है और एक क्या है? त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं कि विस्थापन s = आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कौन सा आयत, कौन सा त्रिभुज? तो आयत देखिए OAEC, त्रिभुज कौन सा? ACB। आप इन दोनों के कोष्ठ में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है? लंबाई गुने चौड़ाई किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं OA गुना OE, आयत का क्षेत्रफल हो गया, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है? AC, और ऊंचाई क्या है? BC, ऊंचाई क्या है जी? BC है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये जो OE हो गया, और क्या लिखा हमने? OE लिखा, ठीक है। ये AC हो गया, हमने इसको AC लिखा, और ये क्या है? BC है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं।
ओ ए ओ गुना वन बाई टू। ये जब आपको अभी बता चुका है आयत है, तो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, ओ ई के। ए सी के जगह पर क्या लिख देंगे, ओ ई, और बी सी को एज इट इज छोड़ दीजिए, तो ओ ई क्या हो जाएगा, ओ ई किसके बराबर हो जाएगा जी, ओ ई ए सी के बराबर, इसीलिए हमने लिख लिया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ओ ए गुना ओ ई। देखिए एक एक स्टेप चला जाएगा कि कहीं भी कुछ ना छूटे और आपको आप समझने में थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, फिर आइए वन, तो ये हमने ओ ई लिख लिया है। देखिए बी सी जो लिखा गया है, बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये हमने लिखा है अभी, ये जो बी सी है बी सी को लिख दीजिए, नीचे ए सी से भाग कर दीजिए, ए सी से गुना कर दीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा, ये कट जाएगा, बी सी का बी सी ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ए सी गुना ए सी लिख सकते हैं ना, ए सी गुना ए सी। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ओ ई ओ ए गुना ओ ई प्लस वन बाई टू ओ ई। ये जो BC है, AC को अभी तुरंत क्या लिखे, AC को OE लिखा है, तो ये जो BC बाई AC है इसको इधर रख देते हैं, BC बाई AC, ये जो हमारा क्या आया है जी आपको AC, AC को लिख देंगे OE, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे आगे देखिए, ये OA, OA क्या है जी, OA आपको क्या है, U है, ये OE, OE क्या है, T है, OE क्या है, T है, ये हाफ OE, OE क्या है, T है, OE क्या है, T है, ये BC by AC, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, BC by AC, लंब बटाधार, क्या जी, लंब बटाधार, लंब बटाधार क्या था, tan थीटा, और tan थीटा क्या था, ढाल, और ढाल क्या था, एक्सेलरेशन, यानी BC by AC क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, A लिख देंगे, तो S बराबर UT प्लस हाफ A T गुना T स्क्वायर, सिद्ध हो गया, ये क्या हो गया जी आपका पहला फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक मिनट के लिए हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए दूसरा बार में ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन अब इस बार कुछ दूसरे तरीका से निकालेंगे। ठीक है, ये जो क्षेत्र होगा ये टोटल, अब ये हम बात करेंगे, इस क्षेत्र का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, इस क्षेत्र का बात करेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र का बात करेंगे, ये भी क्षेत्रफल क्या देगा आपको, क्षेत्रफल किसी भी तरीके से आप क्षेत्रफल निकालिए, हर हाल में आपको क्या मिलेगा, विस्थापन मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि आकृति कैसा है, देखिए ये आकृति कैसा है, समझिए, देखिए ये भुजा इसके समानांतर है, और ये दोनों भुजा समानांतर नहीं है। जब किसी चतुर्भुज की दो, एक जोड़ी भुजा समानांतर हो और एक जोड़ी भुजा समानांतर ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जो होगा, ये विस्थापन क्या देगा, विस्थापन कैसे आएगा जी, जब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ये क्षेत्रफल किसका होगा, समलंब समलंब,
समलंब चतुर्भुज का होगा। ये कैसा होगा? समलंब चतुर्भुज का होगा। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, है कि हाफ समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। क्या होता है? हाफ समानांतर भुजा। समानांतर भुजा कौन सा है? ये इसके समानांतर। समानांतर भुजा कौन सा हो जाएगा? ओ ए, ठीक है, ओ ए भुजाओं का योग। दूसरी समानांतर भुजा क्या है? बी ए, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसके बीच की ऊंचाई क्या है? यही ना है, तो क्या हो जाएगा? ओ ए, ठीक है। ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया जिसमें ये और ये भुजा एक दूसरे के समानांतर है, और ये इन चतुर्भुज का ये ऊंचाई हो जाए। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया समानांतर भुजा ओ ए और ये एक समानांतर भुजा बी, दोनों को जोड़ दिया और ये लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम लोग देखते हैं 1/2 ओ ए कुछ चेंज करने की जरूरत है, बी ई। देखिए ये जो बी ई है इसके बराबर है, किसके बराबर है? ओ डी के। तो लिख देंगे ओ डी, बी ई किसके बराबर है? ओ डी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए ये क्या है जी आपको, ओ ई, ओ ई, ठीक है, क्या आपको ओ ई है, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको ओई को इसलिए लगाने देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक आप रचना कर लीजिए, रचना क्या कर लीजिए, यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, एक लंब डाल दीजिए और उसी को ही लिख लीजिए, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, एक्सलेशन चाहिए। एक्सलेशन के लिए हमें ये बी बी सी बटा ए सी चाहिए, ढाल चाहिए, तो ही एक्सलेशन निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बढ़ते हैं, 1/2 ओ ई प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ओ ई को लिख सकते हैं ए सी, ठीक है, ए सी लिख दिए। अब ए सी जो लिखें, ए सी को क्या लिख देंगे, बी सी गुना बी सी, बी सी बाई बी सी, बी सी से बी सी काट दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी सी से बी सी कट जाएगा कोई फर्क नहीं बचेगा, क्या रहेगा, ए सी का ए सी ही रहेगा। 1/2 ओ ए प्लस ओ डी, यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी को ऊपर छोड़ दीजिए और इस ए सी को क्या कीजिए, नीचे ला दीजिए, बी सी बाई ए सी। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, समझिए, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसमें क्या चाहिए, एक्सलरेशन चाहिए, ए आना चाहिए। तो ए आने के लिए हमको लेना होगा बी सी बाई ए सी लेना होगा, एक ये ढाल हो जाता है और ढाल एक्सलरेशन, इसीलिए एक रचना भी करना पड़ा है और इसीलिए ओ ई को ए सी में चेंज करना पड़ा, फिर ए सी को ओ ई में चेंज करना पड़ेगा। ये पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, 1/2 ओ ए प्लस ओ ई गुना, ये बी सी जो है, बी सी क्या है जी, इस पूरे लेंथ में से ये वाला लेंथ घटा लिया तो बी सी निकल जाएगा, इस पूरे लेंथ में से ये वाला लेंथ घटा दिया तो बी सी निकल जाएगा। तो पूरा लेंथ आपको क्या है जी, बी ई माइनस सी ई बटा बी सी बाई ए सी, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर मिटाएंगे और लिखना लेना इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब जो जैसा है उसको डाल देते हैं। 1/2 ओ ए, ओ ए क्या है, यू है, यू, ठीक है। ओ डी, ओ डी क्या है, भी है, ठीक है। अब ये बी ई, बी ई क्या है, बी ई, बी ई आपका वही है। एक स्टेप इसको और चला जाए क्योंकि बी को कन्वर्ट कर लिया जाए, ओ ए प्लस ओ डी, बी क्या है, बी ई किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के, ओ डी के बराबर हो जाएगा। और देखिए सी क्या हो जाएगा, सी ओ ए के बराबर हो जाएगा, माइनस ओ ए, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, बी सी बाई ए सी,
बी सी वाई एस, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे क्या बढ़ते हैं, वन बाई टू। ये देखिए, तो दो प्लस तीन कीजिए या तीन प्लस दो कीजिए, बात एक ही है। हर हाल में कहने का मतलब है दो प्लस तीन कीजिए पाँच आएगा, तीन प्लस दो कीजिए पाँच आएगा, हर हाल में पाँच ही आना है, ठीक है। तो ये जो ओ ए है, ओ ए को ओ डी और प्लस क्या लिख दीजिए आप, ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए। अब देखिए बी सी बाई ए सी, इसको आप चेंज कर ही लेते हैं। ये बी सी बाई ए सी क्या है, ढाल है, जो कुछ देर पहले समझाते हैं, ढाल क्या होता है, तोड़ना होता है, तो इसके जगह हम ए लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर बटा ए, एक बटा दो। ओ डी क्या है, यू, यू का स्क्वायर, ओ ए क्या है, भी, अरे ओ डी, ओ डी भी है, ओ डी क्या है, भी का स्क्वायर, ओ ए क्या है, ओ ए यू, यू का स्क्वायर बटा ए, ठीक है। और इधर मेरा इधर क्या चलते आ रहा है, इधर चलते आ रहा है एस, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एस वन बाई टू। अब देखिए इस टू को क्या करेंगे, इधर गुना में भेज देंगे, टू एस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ए भी क्या हो जाएगा, इधर गुना में जाएगा, तो टू ए एस बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इधर क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो आपको बच जाएगा फाइनली भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो एक मेरा ये फॉर्मूला था। दोनों सिद्ध हो गया, उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और आप इसका पूरा आनंद लिए होंगे। तो चलिए बनता है, एक लाइक बटन को दबा दीजिए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें एक ही टर्म बच गया, वृत्तीय गति। क्या बच गया, तो वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति किसे कहते हैं, वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पर हो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। यानी जब आप वृत्तीय पथ पर, वृत्ताकार पथ पर चलिएगा, जैसे ये, इसी को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जब आप वृत्तीय पथ पर गति कीजिएगा तो उस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। और जो वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति होता है, इसमें एक समान चाल से जब चला जाएगा तो उसे एक समान वृत्तीय गति। एक समान चाल कहने का मतलब क्या है कि जब आप 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किए हैं और पूरे गति के दौरान 10 मीटर पर सेकंड ही रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक समान चाल। और एक समान चाल का जो गति होगा वृत्तीय पथ पर चलेंगे उसे एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि एक समान चाल त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, एक समान चाल त्वरित गति का उदाहरण नहीं है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति, क्या जी, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि एक समान चाल कहने से उस पर केवल चाल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल तो कॉन्स्टेंट रहेगा, कि आपने 10 से शुरू किया है और आप 10 से ही चल रहे हैं, आपने क्या किया 10 मीटर पर सेकंड से शुरू किया और आप उसी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वृत्तीय पथ पर चलने के दरमियान एक घटना घटती है, वह क्या होती है कि वृत्त के हर बिंदु पर ऑब्जेक्ट का दिशा बदल जाता है। वृत्त के हर बिंदु पर ऑब्जेक्ट का दिशा क्या होता है, बदल जाता है। तो हमने आपको बताया था कि वेग में जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है वही एक्सेलरेशन होता है। और वेग के पास भैया क्या होता है, परिमाण और क्या होता है, दिशा। परिमाण और दिशा होता है, परिमाण तो आप कांस्टेंट रखे हुए हैं 10 मीटर पर सेकंड से, इसको नहीं बदलते हैं, लेकिन ये जो दिशा है हर बिंदु पे बदल जाता है, हर बिंदु पे दिशा बदल जाती है, इसीलिए वेग भी क्या हो जाता है, बदल जाएगा। तो जब वेग बदल जाएगा तो गति क्या हो जाएगी, त्वरित गति हो जाएगी, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण हो जाएगा। तो आइए एक और चीज़ समझ लेते हैं कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु पे हमें दिशा ज्ञात करना वस्तु का, तो इस बिंदु पे हमें क्या करना होता है, टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचना होता है। स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है उस समय उस बिंदु पर गतिमान वस्तु की भी दिशा वही होती है। चलिए ठीक है, सारी बातों को हमने देख लिया है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, चलिए प्रॉब्लम कीजिएगा इस
काइनेमेटिक इक्वेशन से संबंधित आप प्रॉब्लम कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम में दिक्कत आ रहा, प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं बन पा रहा, कोई भी दिक्कत हो, तो आप इस मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, या क्या कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है, या अगले वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें इस जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा, जो भी आपका दिक्कत रहेगा, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।